फ्रेंड्स वेलकम टू अमीन्स ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबाद की फेमस खट्टी दाल। ईद का मौसम गुजर चुका है, खट्टी दाल और तलावा गोश्त बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन देगा। लेट्स स्टार्ट एंड सी द इंग्रेडिएंट्स। मैंने मसूर की दाल 150 ग्राम लिए, 3 से 4 कटे हुए टमाटर, 6 से 8 हरी मिर्ची स्लिट करी हुई, और मैंने थोड़े से 50 ग्राम की पल्प निकाल लिया है टैमरिन का। आप चाहें तो इसमें ठीक है लेमन डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें कैरी डाल सकते हैं। हरी मिर्च को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, टैमरिन पल्प को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कम ऑन लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। ये हरी मिर्च ऐड कर लिए हमने, ये टमाटो ऐड हो गया है, सब चीज़ें एक ही साथ ऐड कर ले। थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर 1/2 चम्मच, टेस्ट आपके स्वाद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बड्स। ये हम इसमें थोड़ा सा करी पत्ता अभी ऐड कर लेते हैं जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जस्ट मिक्स इट। इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल लीजिए, आप ज्यादा मत डालिए क्योंकि ऑलरेडी ये सोक की हुई है। फ्रेंड्स इसको 2 विजिल आने तक हम रखेंगे। फ्रेंड्स ये हमारे 2 सीटी हो चुके हैं, एक बार दाल चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी दाल हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं टैमरिंड पल्प। खट्टा अपने आप स्वाद अनुसार डालें, जिसको जितना लगता है। चलिए हम इसमें वाटर ऐड कर लेते हैं। एक लिट से कवर कर लेंगे, कवर करके ठीक है इसे बॉईल आने तक छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। चलिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें बघार के लिए चलिए सामान देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच तेल लिया है, ये है 2 चम्मच जीरा, ये मैंने 3 हरी मिर्ची, 3 बघार की मिर्ची ली है सूखी हुई, इसे क्रैक करके डालें जिसमें तेल अब्जॉर्ब हो। ये 3 से 4 करी पत्ते, आप चाहें तो इसमें लहसुन ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, लहसुन से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। चलिए फ्रेंड्स ये हमारा बघार रेडी है, इसमें दाल में ऐड कर लेते हैं। ये हमारी दाल बन के बिल्कुल रेडी है, ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। आप इसे राइस के साथ खा सकते हैं विद सम नॉन वेज एंड इट विल गिव यू रियली गुड टेस्ट। एंजॉय, आई होप आई यू एंजॉयड इट।